हाँ जी, पुलिस में सिपाही लगना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जबरदस्त अपडेट आई है, यदि आप पुलिस में कांस्टेबल लगना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपके लिए वैकेंसी आ गई है। जी हाँ, आपके लिए ढेर सारे वैकेंसी आ गई है। तो यदि आप लगना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करने का कष्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकती है जो इस पुलिस की भर्ती में लग सकते हैं। और आप यदि किसी की सहायता करोगे सरकारी नौकरी लगने में, तो सामने वाला इंसान आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके कृतार्थ कर दीजिए। तो दोस्तों, 12वीं पास यदि आपने कर रखी है, जी हाँ 12वीं पास यदि आपने कर रखी है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों, आपने हरियाणा का HSSC का CET का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर रखा हो। क्या है वो क्वालिफाई कर रखा हो, वो आपने पास कर रखा हो, यानी कि इन भर्तियों के लिए CET पास होना जरूरी है। ग्रुप सी वाला CET पास होना जरूरी है। दोस्तों ये बस ये मान लो, यदि आपने अभी तक इस भर्ती का नहीं पता था, तो ये भर्ती केवल और केवल आपके लिए दोबारा से आई है। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 तारीख थी दोस्तों। क्या थी? 24 तारीख थी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेटों के मैसेज आए थे, कैंडिडेट्स के मैसेज आए थे कि हम फॉर्म नहीं भर पाए, लास्ट वाले 3-4 दिन में साइट चल ही नहीं रही थी, फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो HSSC ने आप लोगों का दुख दर्द समझा और डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब आप 1 अक्टूबर 2024 तक हरियाणा पुलिस के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, हरियाणा पुलिस के फॉर्म आप भर सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 तक। और दोस्तों, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है वो अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि कोई गलती हो रखी है तो उसके अंदर करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन का काम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो नए साथी हैं जिन्हें इस भर्ती के बारे में डिटेल नहीं पता है, तो उनके लिए मैं डिटेल बता देता हूं, उनके लिए मैं सारी सूचना आपको दे देता हूं। तो मैंने योग्यता आपको बताई दी है कि हरियाणा पुलिस के अंदर 12वीं पास के लिए वैकेंसी आई हुई है। बारहवीं पास के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसमें कांस्टेबल मेल की 4,000 है, कांस्टेबल फीमेल की 600 है, कांस्टेबल मेल IRB की 1,000 वैकेंसी है। इसके अलावा 66 वैकेंसी आपकी MAP की है, कांस्टेबल की। ठीक है जी, ये वैकेंसी 12वीं पास के लिए बता दी। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा आपका PMT, फिर आपका PST होगा, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। यहाँ पे आप अपनी हाइट साइट देख सकते हैं, मेल की जनरल की हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, रिजर्व की हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, फीमेल की हाइट कितनी है, फीमेल रिजर्व की हाइट कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आप PST देख सकते हैं, मेल की 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट में, फीमेल की 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट में, एक्स रिश्मन की 1 किलोमीटर की रेस है 5 मिनट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे आपके लिए क्लियरली बता रखी है। तो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है ना वो आपकी जा चुकी थी दोस्तों, लेकिन HSSC ने एक बार फिर से मौका दिया है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था, इस भर्ती का नहीं पता था, आपने CET पास कर रखा है, तो ये भर्ती आपके लिए दोबारा से आई है। ये सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। इसमें एज आप देख सकते हैं 18 से 25 साल है। एज में जो नियमानुसार छूट होती है वो आपको छूट अलग से दी जाएगी। ठीक है जी, वो छूट आपको अलग से दी जाएगी।
18 से 25 साल, 1/9/2024 से काउंट की जाएगी, और फिर जो आपकी शेड्यूल कास्ट है, जो बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनको 5 साल की छूट अलग से दी गई है। तो ये आपकी भर्ती निकली है 1 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये फॉर्म रीओपन हुए हैं, मौका है आपके लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फेसबुक पेज पर आप पहली बार आए हो, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, KTDT परिवार का हिस्सा बन जाना, जॉब से वंचित नहीं रहने देंगे। धन्यवाद।